हमें जरूरत नहीं है कि नक्शा पलटने के लिए अच्छी सड़कें ही बनाएं। जरूरत है कि जो ज्यादा बुनियादी चीज है आपके गांव के भविष्य, जिला केला, इस तरह की चीजें, सिर्फ उस परिवार को ये पता नहीं है कि उस बच्चे को खास ध्यान की जरूरत है। मिशन 120 के द्वितीय चरण का आज शुभारंभ हुआ है। हम लोगों ने 60 अधिकारियों की टीम में 120 ऐसे गांव चुने हैं जहां पर 1305 अति कुपोषित बच्चे हैं। इससे पहले प्रथम चरण में हम लोग 2114 बच्चों, अति कुपोषित बच्चों वाले 120 गांव को चुन के उनको कुपोषण मुक्त कर चुके हैं। तो पूरी टीम में एक जज्बा है, पूरी टीम को ये कार्यशैली पता है कि किस तरह से उन परिवारों से बात करनी है, उन परिवारों की काउंसलिंग करनी है, उनको पोषण का महत्व समझाना है, उनको सही आहार जिसमें सही पोषक तत्व हों उसके बारे में जानकारी देनी है। हाल ही में हरदोई के जिलाधिकारी ने एक मिशन का आगाज किया था जिसे मिशन 120 के नाम से जाना गया था। इस मिशन के तहत उन्होंने हरदोई जिले के करीब 120 गांवों के कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें कुपोषण मुक्त किया था, जिसके पहले चरण में सफलता पाने के बाद उन्हें दिल्ली में इसके लिए सम्मानित भी किया गया। इसके बाद अब उन्होंने इस कुपोषण अभियान के दूसरे चरण का आगाज भी कर दिया है, जिसमें करीब 1300 से अधिक बच्चों को चिन्हित किया गया है। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।